देखिए, आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि देखो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता, मतलब अगर मैं ऐसा कह पा रहा हूँ तो बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है कहने के लिए कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आते। सही है, ऐसा BSc का एग्ज़ाम नहीं होता एल्कोहल वाले चैप्टर से जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जिसमें एल्कोहल की विभेद अभिक्रिया नहीं लिख पाता, यानी डिस्टिंक्शन इन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद अभिक्रियाएँ। देखो क्या होती है विभेद अभिक्रियाएँ, जैसे क्या होता है, हमारे पास तीन अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब लेबोरेटरी में वो चीज़ें बिल्कुल अलग होती है, जो हम पढ़ते हैं ना कॉपी पेन पे बोर्ड पे जो पढ़ते हैं वैसा नहीं होता, लेबोरेटरी में अलग होती है चीज़ें, ठीक है। उनको कैसे पहचानेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, ये प्रैक्टिकल से किए जाते हैं, यानी प्रैक्टिकल जो हम करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं ना, उनमें बताया जाता है कि कैसे इनको अलग अलग किया जाता है। तो हमसे कई बार एग्जामिनर जो आता है, हमारे एक्सटर्नल आता है, वो पूछता है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में डिस्टिंक्शन मतलब अलग अलग कैसे करोगे, उनका विभेद कैसे करोगे, ठीक है। जैसे मैं जब 12th में पढ़ता था तो मेरे से किसी ने पूछा है ना, किसी ने क्या मतलब उसी ने पूछा एक्सटर्नल ने, कि आप एल्कोहल में, फिनॉल में, कार्बोक्सिलिक एसिड में विभेद अभिक्रिया लिख के बताओ, ठीक है। तो ऐसा पूछते हैं एग्जामिनर प्रैक्टिकल में, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं विभेद अभिक्रियाओं के बारे में, जो स्पेशल रिएक्शन है उनके बारे में। तो ये जो स्पेशल बातें ना, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, आज हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है, देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, तो बात की बात है। पहला है कौन सा, विक्टर मेयर टेस्ट। ये देखो, विक्टर मेयर टेस्ट मतलब आज के लेक्चर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं, विक्टर मेयर परीक्षण कहते होंगे, विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। पहला विक्टर मेयर टेस्ट, दूसरा कौन सा है, ल्यूकास टेस्ट। देखो, जिसे देखना है कंप्लीट लेक्चर देखें, आराम से देखें, तसल्ली से पॉज कर करके एक एक चीज़ के नोट्स बनाते हुए चले। जो मैं लिखा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ, अभी जैसे ये चैप्टर खत्म हुआ, थोड़ा क्वेश्चन वेश्चन भी डील करेंगे, भाई कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या विक्टर मेयर से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, और आए हैं तो कब कब पूछे गए, जैसे 2015 में पूछा गया है क्या, 16 में आया है क्या, 17-18 में आया क्या, कब कब आते हैं, मतलब इस तरीके की बातें करेंगे। 2018 में, 19 में, 20 में भी आए हैं क्या क्वेश्चन, इस तरीके की बातें करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया ल्यूकास टेस्ट, 20 की तो वैसे कोरोना ने माहौल, ठीक है। एक दो तीसरा देखो, पहला कौन सा है, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट के बाद दूसरा है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास को यहाँ पे भी ऐसे लिखा जाता है, ल्यूकास परीक्षण, ठीक है भाई। तीसरा क्या है, तीसरा है ऑक्सीडेशन, क्या है तीसरा, ऑक्सीकरण, कुछ लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलने की अपनी अपनी भाषाएं, ठीक, ऑक्सीकरण। और चौथा है डिहाइड्रोजिनेशन, कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। वहाँ मैंने जब कॉपर के साथ रिएक्शन करवाई थी तो उसको डिहाइड्रेशन लिख दिया था, पहले मैंने डिहाइड्रोजिनेशन लिखा था, लेकिन वो ध्यान नहीं रहा तो थोड़ा हट गया, फिर उसी में करेक्शन करवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये है डिहाइड्रोजिनेशन भाई, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ल्यूकास टेस्ट और विक्टर मेयर, जिसको ये चार टेस्ट आते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शरी एल्कोहल। सही है भाई, प्राइमरी
सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है, हाँ डिस्टिंक्ट कर सकता है, ठीक है, विभेद कर सकता है तीनों में। अब ये मैं जो पहली क्लास हुई थी ना तब से आपसे कह रहा हूँ कि प्राइमरी ये होता है, इससे ये जुड़ा हो तो प्राइमरी कहलाता है, इससे जुड़ा हो तो सेकेंडरी कहलाता है, इससे जुड़ा हो तो टर्शरी कहलाता है, भाई कहा था मैंने ऐसा। और मैं ये आपसे कहता आ रहा था कि यार प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो आप सीखो, ये बिल्कुल बेसिक बात है, ठीक है। अब जिसको मान लो उस टाइम भी समझ में नहीं आया, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं यहाँ आज आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को दोबारा से समझाऊंगा। फिर उसके बाद विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ेंगे, ल्यूकास टेस्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और डिहाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इतना इम्पॉर्टेंट कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। क्या है? इंटर कन्वर्जन अमंग, इसको मिटा देते हैं ना, क्या दिक्कत है, इंटर कन्वर्जन अमंग फ्यू एल्कोहल्स। Among few alcohols, ठीक है भैया, इनको बोल भी सकते, ठीक है। देखो इंटर कन्वर्जन अमंग फ्यू एल्कोहल्स, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये टॉपिक भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट, ये तो इतने इम्पोर्टेंट है कि 5 स्टार भी लगा लो आप तो कम है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन है ये? 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, इसी को भी यहीं चिपका रहे, 5 स्टार क्वेश्चन है, 6 स्टार लगा लो आप चाहो तो, ये तो 5 स्टार 6 स्टार क्वेश्चन है हमारे BSc में, ठीक है, आते ही आते हैं, है ना, और ये तो आपको पढ़ ही लेने चाहिए। चलें, फिर आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्यू एल्कोहल्स, ठीक है। एक कार्बन ज़्यादा वाला एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एक कार्बन कम वाला एल्कोहल कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से एमीन, एमीन से फलाना, एमीन से ढीकड़ा, और ये वो सब कैसे बनाएंगे, ये सब मैं आपको वैसे तो पढ़ा चुका हूँ, ऑफिशियली तो मैंने वो काम ख़त्म कर दिया, लेकिन इंटर कन्वर्जन का जब बात आती है, इंटर कन्वर्जन की जब बात चलती है, तब उसको अलग मेथड में अलग तरीके से पढ़ा जाता है, और इस पे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, 110% आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं? देखो आपको पढ़ना सारा है, मैं सारा ही पढ़ाऊँगा आपको, मतलब कोई भी टॉपिक या किसी भी चीज़ को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ ना, तो सारा पढ़ाऊँगा मैं, तो फिर मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी क्या करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे कि आप लोग पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे और सारा एज इट इज याद रखेंगे, हर चीज़ को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि मैं सारा पढ़ाऊँगा और आप लोगों को सारा ही पढ़ना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। देखो देखिए, पहला पढ़ेंगे विक्टर मेयर टेस्ट, तो मैं इसको मिटा दूं और पहले आपको ये समझाता हूँ कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, टर्शरी एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, जिस किसी को अच्छे नंबर लाने होते हैं उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हर बार ये थोड़ी कहेंगे कि यूनिवर्सिटी नंबर नहीं देती, अरे भैया देती है, मेरे को दिए हैं, सभी को देती है, कई बार हो जाता है कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाता है माहौल, तो हो सकता है आपके साथ हो गया हो, है ना, लेकिन सभी के साथ ऐसा ही नहीं होता हमेशा। चलें देखो, पहला टॉपिक है हमारे पास, क्या टॉपिक है? प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल, है ना जगत, सेकेंडरी एल्कोहल। तीसरा है टर्शरी एल्कोहल, एल्कोहल। देखो ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। देखो देखिए, अगर OH ग्रुप या फिर मैं R से डिनोट करता हूँ आज तो इनको सबको, ठीक है ठीक है,
पहला मैं लिख देता हूँ, एक आर से जुड़ा हो, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपको OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अदर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो सेकेंडरी यानी 2 डिग्री कहते हैं इसको, ठीक है। इसको 1 डिग्री कहते हैं, हिंदी में इसको प्राथमिक कहते हैं भैया, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल तो आप लोग देख ही लेते हो, ठीक है। इसको द्वितीयक, द्वितीयक एल्कोहल, और इसको कहते हैं तृतीयक एल्कोहल, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कार्बन OH, देखो ये कार्बन तीन, अन्य कितने कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तीन से, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री, ठीक। देखिए इसी का एक एग्जांपल ले लूँ मैं, CH3 CH2 OH। देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है OH, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, कितने डिग्री, 1 डिग्री, एक कार्बन से 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से, कि 2 कार्बन से, 1 और 2, ठीक है। यहाँ की जगह आप इथाइल, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो आपकी मर्जी हो वो ले लो, ठीक है। कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, 2 डिग्री। एग्जाम्पल क्या, CH3 CH CH3 OH, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ये तो इथाइल एल्कोहल है या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, ठीक है। CH3, ये R की जगह ग्रुप लगाया है मैंने ना, ये OH, ठीक है। जिसको ये आते हैं वो वीडियो को आगे स्किप कर लें एक आध दो मिनट, और आगे से देखें जहाँ से मैंने डायरेक्ट फिर विक्टर मेयर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। जब मैं विक्टर मेयर स्टार्ट करूँगा तो आप वहाँ से देख लेना। लेकिन जिसको ये भी क्लियर नहीं है, और मेरा तो सजेशन है कि आप भी इसको क्लियर कर लो, ठीक है भैया, चलें। ये हो गया, अब देखो ये कार्बन, ये एल्कोहल, एल्कोहल से जुड़ा कार्बन, फिर उससे जुड़े कितने कार्बन, 3, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है भैया, चलें। अब इसको मैं क्या करूँ, प्राइमरी एल्कोहल समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल समझ में आ गया, ये सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल की बातें हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और हमारे पास क्या है, हमारे पास हेडिंग, इसको मोटे फॉन्ट से लिखते हैं, ठीक है। देखिए विक्टर, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है भाई, विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। पता मैं इसको इतना स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतना आराम से क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बात समझ में आनी चाहिए कि असल में इसकी थीम क्या है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो मिटाता हूँ मैं, ये बात आपको क्लियर रही होंगी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन किस कैसे आ सकता है, वहाँ ये आ सकता है डिस्टिंक्शन इन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, ठीक है भाई, ये हो सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है प्राथमिक
द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद अभिक्रियाएं लिखी, विभेद अभिक्रियाएं लिखी। ये हो सकता है, नहीं, ये क्वेश्चन प्रश्न ठीक है। देखो, ऐसा पूछा जा सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में विभेद अभिक्रियाएं लिखिए। आंसर क्या हो सकता है आपका? आपका आंसर हो सकता है विक्टर मेयर टेस्ट। आंसर थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक। आपका आंसर हो सकता है विक्टर मेयर टेस्ट, हो सकता है विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। आपका आंसर होता है ल्यूकास टेस्ट, हो सकता है ठीक। आपका आंसर ऑक्सीडेशन हो सकता है। आपका आंसर डिहाइड्रोजिनेशन हो सकता है। सही है, ऑक्सीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण कहते हैं इनको, है ना। इन चारों में से एक आपका आंसर हो सकता है, आप किसी भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे थोड़ी पूछता है, वो क्या करता है, वो कहता है एल्कोहलों में विभेद अभिक्रियाएं लिखिए और किसके बिहा पर, विक्टर मेयर टेस्ट के बिहा, ठीक है। यानी विक्टर मेयर टेस्ट को समझाइए, या आपसे वो पूछ ले कि ल्यूकास रिएजेंट या ल्यूकास टेस्ट को समझाइए, ठीक है। या आपसे पूछ ले कि एल्कोहल के माध्यम, सॉरी, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के माध्यम से एल्कोहलों में प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी में क्या बताओ, विभेद अभिक्रियाएं बताओ, या डिहाइड्रोजिनेशन में से बता सकता है, या डिफरेंशिएट करिए, अलग अलग करिए, विभेद करिए, ऐसे वो पूछ सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन के पैटर्न, ठीक है। मैं एक बार क्वालिटी देख लेता हूँ, मेरी क्वालिटी ठीक आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ ठीक ही है, ठीक है। देखो, ऐसे पूछ सकता है, और भी कई तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। तो अब हम लोग लगाते हैं विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट देखो, विक्टर मेयर टेस्ट, इसको हिंदी में भी लिखो भैया, हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। तो विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है भैया, ये हो गया विक्टर मेयर परीक्षण, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और अब हम चलेंगे टेस्ट पर, भाई कैसे कैसे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूछा कैसे जाएगा, और जब हम लोग सोल्व करेंगे तो और भी चीज़ें, कई चीज़ें निकल कर आती है जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक सेशन ले लेंगे जिसमें क्वेश्चन से सोल्व करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए, ये हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, एक साइड प्राइमरी एल्कोहल ले लिए मैंने, यार इसमें होगा नहीं, इसमें जुगाड़। विक्टर मेयर टेस्ट हेडिंग लगा हुआ है और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग आगे, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा सेकेंडरी एल्कोहल, और यहाँ मैं लिखूँगा टर्शरी एल्कोहल। देखना भाई, देखो, देखो, प्राइमरी एल्कोहल का एग्जांपल है मेरे पास CH3CH2OH, सही है भाई। सेकेंडरी एल्कोहल का एग्जांपल है मेरे पास CH3CH, इसको भी ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बच जाए मेरे पास, CH3OH,
ठीक है। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हो वो अदर दो कार्बन से जुड़ा, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल। सही है, ये प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल, और ये हो गया मेरे पास 3 डिग्री एल्कोहल, CH3, ये OH। एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अदर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए टर्शियरी एल्कोहल। चलें देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेगी रिएक्शन, ठीक है। देखो आयोडीन प्लस रेड फॉस्फोरस, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल की, सेकेंडरी एल्कोहल की, रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन या फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, ठीक है, प्लस I2। सही है भाई, किससे करा रहा हूँ मैं रिएक्शन? फॉस्फोरस प्लस आयोडीन से, ठीक है। रेड नहीं लिखो तो आप फॉस्फोरस प्लस आयोडीन लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है आपके दिमाग में, है ना। फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, इधर भी मैं क्या करूँगा, फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, ठीक है। देखो, क्या मैंने आपको ये रिएक्शन नहीं सिखाई, सब सिखाई थी, क्या सिखाया था कि मैंने ये कहा था रेड फॉस्फोरस और आयोडीन लेते हैं तो क्या बनता है। देखो प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं इसका, कुछ नहीं करना, एल्कोहल वाला OH ग्रुप हटा के आयोडीन जोड़ देना, ठीक। यहाँ पे भी क्या बनेगा भैया, CH3 ऊपर है ना, जगह की तो पहले ही दिक्कत है, CH3 और ये आई, इधर भी क्या बनेगा, CH3 आई, ठीक है साहब। देखिए, जब फॉस्फोरस प्लस आयोडीन की, ये इसी तरीके से चलेंगे विभेद, ये विक्टर मेयर टेस्ट चल रहा है भैया, क्या चल रहा है, ये विक्टर मेयर टेस्ट। देखो, फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ अगर एल्कोहल की रिएक्शन कराई जाए, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, सब के सब एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एल्किल आयोडाइड, ठीक है, एल्काइल आयोडाइड बना लिए। अब एल्किल आयोडाइड बनने के बाद मैं इसकी रिएक्शन किससे कराता हूँ भाई, मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ AgNO2 के साथ, किसके साथ, AgNO2 के साथ, ठीक है। इसकी भी मैं किसके साथ कराता हूँ, AgNO2 के साथ, ठीक है। इसकी भी मैं किसके साथ कराता हूँ, AgNO2 के साथ, सही है भाई, किसके साथ करा रहा हूँ मैं रिएक्शन, AgNO2 के साथ, इसको बोलते सिल्वर, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो आप, मैंने ये करा दिया तो यहाँ से आई हटता है और क्या जुड़ जाता है, आई की जगह NO2, देखो कैसे जुड़ेगा, ठीक है, देखो कैसे जुड़ता है, ये CH3 CH2 NO2, यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 आई की जगह क्या हो जाएगा, NO2, यहाँ पे भी क्या होगा, CH3 NO2, ठीक। देखो अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में देखो आप, इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं HONO2 से, सही है भाई, हाँ HNO2 इससे कराऊंगा, HNO2 कैसे बनता है, ये NaNO2 प्लस HCl, इसी से बनता है ना, NaNO2 प्लस HCl, क्या बन जाता है, NaNO2 प्लस HCl से बनता है HNO2, क्या बनता है, HNO2। अब देखो ये HNO2 कैसे बनता है, देखो HNO2 इसको ऐसे लिखा है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं कर, HNO2, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक है, H
NO2 ऐसे भी लिख सकते हैं, HNO2 को, ठीक है, या फिर आप आपकी मर्जी हो जैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो सिर्फ क्या करना है, यहाँ से O H N O, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका ये रहता है कि आपको इसकी बॉन्डिंग पता हो, क्या हो बॉन्डिंग पता हो। बॉन्डिंग कैसे पता करेंगे कि सांप ऑक्सीजन नाइट्रोजन से दो बॉन्ड बनाता है और एक OH रहता है इसके, ऐसा होता है HNO2, ठीक है, ये बॉन्डिंग होती है इसकी। तो आप क्या करेंगे, इस बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिखें, क्या लिखेंगे, OH, देखो OH HNO2, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी आप उसी बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग लिखें, ठीक है, यहाँ लिखे आप OH NO, ठीक है, वही NaNO2 HCl से बनता है ये NaNO2 HCl, ठीक है। इधर देखिए, इसको मिटाओ रे, ये क्या लिख दिया, इधर भी लिखो वही लिख दो, यहाँ तो HNO2 भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर, ठीक है। अब देखो ये लिख दिया मैंने, क्या होता है, यहाँ देखो आप दो हाइड्रोजन दिख रही है क्या, कार्बन के पास दिख रही है, ये दो हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, ठीक है, CH3 C, ये नाइट्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ और ये OH जुड़ जाएगा और यहाँ इसके डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, और NO2 ऐसे के ऐसे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CH3 एक H इसके पास है और एक OH ही रहा, यहाँ से ये NO, ठीक है, और ये NO2 और यहाँ, ठीक, अभी तो यहाँ क्या हो, कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है क्या, जी नहीं है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे चलूँ मैं, आगे चलते हैं, देखो फिर इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, NaOH का NaOH डालते हैं, यहाँ पे भी क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, ठीक है, NaOH डालेंगे और यहाँ, यहाँ तो NaOH डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप फिर भी जोर ऐसी डाल बुछाओ तो डाल दो, ठीक है। देखो ये काम हुआ, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, अब इनके नाम लिख देता हूँ मैं सबको, ये है एथेल इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इसलिए मैंने जगह छोड़ी हुई थी, ये है इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड, ये है नाइट्रो एल के, नाइट्रो एथेन कह दो इसको, नाइट्रो एथेन, ये सब के IUPAC नाम है, इसको एथेनॉल कहते हैं, इसको इथाइल आयोडाइड है ना, आयोडोएथेन कहते हैं, ये सबके अलग अलग नाम भी है, कई नाम होते हैं एक कंपाउंड के, ठीक है। चलें, ये हो गया NaNO2HCl, ये हो गया, फिर ये हो गया नाइट्रोलिक एसिड, क्या हो गया, नाइट्रोलिक एसिड, ठीक। यहाँ जो ये कंपाउंड बनता है मेरे भाई, ये है स्यूडोनाइट्रोल, क्या नाम है इसका, स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है, यहाँ इसका नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ऐसे लिख दो, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, यहाँ इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल नाइट्रेन या नाइट्रो, नाइट्रोप्रोपेन, एक दो दो नंबर पे, टू नाइट्रो प्रोपेन, यार लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, ये स्यूडो नाइट्रोल और यहाँ तो बनता ही नहीं है, ठीक है, ये है टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल के बाद ये क्या हो गया, एक दो तीन,
टू मिथाइल आयोडो आई से आता ना, हाँ तो ये गलत है, टू आयोडो टू मिथाइल प्रोपेन इस तरीके से, ठीक है। और ये नाइट्रो लिख दो, अब सर नाम वाम की तो कोई बड़ा इशू नहीं है। चलें अब देखिए, अब वो क्या थोड़ा सा जम जाता है माहौल, अच्छा लगता है अपने को। चलें और कई बार क्या होता है जैसे बोर्ड के टच में होता है ना, तो हमें भी पता नहीं चलता कि यार मैं जो लिख रहा हूँ वो चीज़ें मतलब एग्जैक्ट है या नहीं है, मतलब ज़्यादा सही है नहीं है, बाकी फिर भी चलो देखो। यहाँ एन ओ एच है, देखो क्या बनता है, थोड़ा छोटा देखो इसको, एन ओ एच डाला हमने, यहाँ क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड एन ओ एन ए प्लस ओ माइनस और एन ओ टू, ठीक है। कौन सा कलर आता है भैया यहाँ, यहाँ आता है रेड कलर, और इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, ये होता है रेड कलर का, ठीक है। अब देखो यहाँ 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 अब ये तो इसके साथ रिएक्ट कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, तो ये स्यूडो है यहाँ आगे, तो यहाँ रिएक्शन नहीं होती, और ये होता है कौन से कलर का, ब्लू कलर का, कैसे कलर का होता है, नीले रंग का या नीले रंग का, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा भैया, यहाँ वाइट, वाइट ये इसको कलरलेस ही होता है तो, पर वाइट कहते हैं इसको, कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं हम, अगर ऊपर दिख रहा हो आप लोगों को तो मैं लिख देता हूँ, विक्टर मेयर, विक्टर मेयर टेस्ट, कौन सा टेस्ट है ये, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। देखो अब अभी तक तो मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ नहीं आया होगा है ना, या फिर एक जनरल जनरल सा जो क्राइटेरिया है वो समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको याद करवाता हूँ कैसे याद करते हैं। आपको क्या करना है, तीन तरह के अल्कोहल लेने हैं, पहला प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, ले लिया आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ले लिया। अब आप क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे भैया, फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ, और एल्किल आयोडाइड बनेंगे, क्या बनेंगे, एल्किल आयोडाइड। यही रिएक्शन आप किसके साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ क्या करवाएंगे, क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेंगे। यही रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, टर्शरी अल्कोहल की फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनेंगे, एल्काइल आयोडाइड बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवानी होती है, कि साफ फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ करवानी होती है, और क्या बनते हैं, कि आयोडाइड बनते हैं, दैट्स इट। चले आगे, ये बात हुई पहली स्टेप की। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, अरे कुछ नहीं करना भाई, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है, जो एल्काइल आयोडाइड बने हैं उसकी AgNO2 के साथ, जो एल्काइल आयोडाइड बने हैं उसकी AgNO2 के साथ, जो एल्काइल आयोडाइड बने हैं उसकी AgNO2 के साथ रिएक्शन करवानी है, क्या बनेगा भाई, के साहब नाइट्रो एल्केन बनेंगे, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक है साहब। चले आगे, फिर भाई साहब क्या हुआ, अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो नाइट्रो एल्केन बने हैं, ये जो नाइट्रो एल्केन बने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, HNO2 से। HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है, क्या होता है, ये लिख देता हूँ मैं, HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड है ये, कौन सा एसिड है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड का छोटा भाई मान लो आप, ठीक है, नाइट्रस एसिड है ना, किसके साथ करवाई, ऐसा नहीं कि सेकेंडरी में नाइट्रस एसिड अलग से ठूंस दो, ना 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 भाई, इसको मिटाओ, ठीक है, कौन सा एसिड है, नाइट्रस एसिड। चले भैया नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, नाइट्रोल। तो जब प्राइमरी एल्कोहल के साथ नाइट्रिक एसिड की, सॉरी नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, नाइट्रोलिक एसिड। जब सेकेंडरी के साथ करवाई तो क्या बना, स्यूडो नाइट्रोल। जब टर्शरी के साथ कराई तो इसके पास हाइड्रोजन एब्सेंट थे, हाइड्रोजन थे ही नहीं, तो इसके साथ क्या बना भैया, कुछ नहीं बना, ठीक है। अब आगे चलो, ये जो नाइट्रोलिक एसिड है इसको हमने क्या किया, NaOH डाल दिया इसके ऊपर, अब एसिड और NaOH डाल दे, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो क्या बना, एक सॉल्ट बना, और इस सॉल्ट का नाम क्या है, सोडियम नाइट्रोलेट, क्या नाम है, ये सॉल्ट है भैया, क्या है ये, साल्ट। ये जो सॉल्ट बना ये क्या है, सोडियम नाइट्रोलेट, और ये
कौन से कलर का होता है कि रेड कलर का होता है, ठीक है। यानी प्राइमरी एल्कोहल सोडियम नाइट्रोलेट बनाते हैं जो कौन से कलर के होते हैं कि रेड कलर के, ठीक है साहब। सेकेंडरी एल्कोहल के साथ भी हमने वही किया, HNO2 के साथ रिएक्शन कराई और स्यूडो नाइट्रोल बने। क्या बने? स्यूडो नाइट्रोल। लेकिन स्यूडो नाइट्रोल एसिड होते ही नहीं है, तो ये क्या करते हैं NH के साथ रिएक्शन नहीं करते, और ये वैसे भी कौन से कलर के होते हैं कि साहब ये ब्लू कलर के। यानी प्राइमरी एल्कोहल रेड कलर का, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर का, और टर्शियरी एल्कोहल के पास हाइड्रोजन यही नहीं है जिसने HNO2 के साथ ही रिएक्शन नहीं करी, वो NH के साथ क्या रिएक्शन करेगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल को क्या कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, अलग अलग कर लिया। देखो ये जो लेक्चर जो देख लेगा उसके ये मान के चलिए कि आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन तो आएंगे तो उसके नंबर फिक्स है, कोई नहीं काट सकता उसके नंबर। क्यों नहीं काट सकता? बिल्कुल। अब जैसे मैंने ये ऐसे खड़े खड़े करवाए, इनको आप आड़े पटक के भी कर सकते हो। देखो कैसे, प्राइमरी अल्कोहल लगाओ, फिर इसकी इसके साथ रिएक्शन कराए, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराए, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराए, दैट्स इट। प्रोडक्ट क्या बना भैया? सोडियम नाइट्रोलेट बना, और कैसे कलर का है कि साहब रेड कलर का है। ये प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन लिख दी, इसी तरह सेकेंडरी की लिख दो, आप टर्शियरी की लिख दो। आप चाहें तो जैसे मान लो 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाए ये कि विक्टर मेयर टेस्ट लिखना आपको, अब एक पेज में थोड़ी देगा, वैसे तो दे देगा, अगर आपने इस तरीके से पेन चेंज कर अगर माहौल बना के लिखा है तो आपको नंबर देने पड़ेंगे, उसको देता ही हो, नंबर हमें दिए हैं तो आपको भी देगा। चलें, तो ये हुआ विक्टर मेयर टेस्ट, और इस टेस्ट को एक और नाम देते हैं। देखो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इस टेस्ट को। और क्या कहते हैं? देखो इस टेस्ट को कहते हैं रेड ब्लू रेड ब्लू एंड वाइट, सही है भाई। प्राइमरी एल्कोहल के साथ रेड, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ ब्लू, और टर्शियरी एल्कोहल के साथ क्या? वाइट। चलें, तो इस परीक्षण को और क्या नाम दिया जाता है? लाल, नीला और सफ़ेद नाम दिया जाता है। लाल, नीला और सफ़ेद नाम दिया जाता है। ये हमारे पास कौन सा टेस्ट हुआ कि साहब विक्टर मेयर टेस्ट हुआ। कौन सा टेस्ट हुआ बॉस? विक्टर मेयर टेस्ट। मिटा दूं मैं? चले, देखिए विक्टर मेयर टेस्ट के बाद आगे वाला टेस्ट देखते हैं, कोई और टेस्ट देखते हैं। चले, देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। विक्टर मेयर टेस्ट हो गया। विक्टर मेयर टेस्ट के बाद अगला टेस्ट देखते हैं, ल्यूकास टेस्ट। बहुत शानदार, बहुत ही मज़े वाला टेस्ट है, ये आता ही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये कई अच्छे अच्छे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है कि ल्यूकास टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। और जो भी थियोरेटिकल अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ऑटोमेटिक वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। या तो प्रैक्टिकल में होती है, और प्रैक्टिकल में नहीं होती तो प्रैक्टिकल वाला पूछता है हमसे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? रेड ब्लू वाइट टेस्ट कहते हैं। और आपको सारी बातें पता चल गई होंगी कि प्राइमरी क्या करते हैं, सेकेंडरी क्या करते हैं, टर्शियरी क्या करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि विक्टर मेयर टेस्ट आपके लिए क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसी का एक पार्ट खत्म हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट एल्कोहल के डिस्टिंक्शन रिएक्शन का। चलें, देखो ल्यूकास टेस्ट, देखिए क्या होता है ल्यूकास टेस्ट। अगर आपको कोई कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस, कौन सा एनहाइड्रस, ZnCl2 का मिक्सचर दे दे, क्या दे दे भैया? कंसंट्रेट HCl का मिक्सचर, कंसंट्रेट HCl दे दे, और एनहाइड्रस क्या दे दे? एनहाइड्रस ZnCl2 दे दे, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है, आप क्या कहेंगे कि इसी मिक्सचर का नाम क्या है? इसी मिक्सचर का नाम क्या है? क्या है इस मिक्सचर का नाम? ल्यूकास रिएजेंट। क्या है? ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट। कि साहब काम क्या आता है, क्या भी बताएंगे क्या काम आता है? मिटा दूं मैं इसको, ठीक है। चलो देखो, देखिए देखो
ये मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है भैया? कौन सा एल्कोहल है कि साहब प्राइमरी, और ये मेरे पास है सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है? और ये मेरे पास है टर्शरी एल्कोहल। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देखिए मैं इसको थोड़ा बदल के लिखता हूँ यार। ये हो गया टर्शरी, टर्शरी एल्कोहल, सही है बॉस, टर्शरी एल्कोहल। और ये हो गया सेकेंडरी टर्शरी, ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ, ठीक है, देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो टर्शरी एल्कोहल है, ये जो सेकेंडरी और ये जो प्राइमरी एल्कोहल है, इन तीनों को क्या करना है, अलग अलग करना है। देखो लेब में जब आप जाओगे तो एल्कोहल आपको किस, अरे एल्कोहल तो दारू की दुकान पर भी क्या मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, इनकी कोई पहचान नहीं होते से डायरेक्ट कि आप पहचान लो कि टर्शरी ये तीन चार कार्बन है, ये वो एक जुड़ा ना, ऐसे नहीं पहचानते। कैसे पहचानते हैं, आपको वो लिक्विड मिलता है, आपको क्या करना पड़ता है, उसी लिक्विड को देखो कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2 ले लो, कंसंट्रेट HCl ZnCl2, ठीक है, कंसंट्रेट HCl ZnCl2, ठीक है। देखिए टर्शरी एल्कोहल टर्बिडिटी आती है, ठीक, यहाँ पे भी टर्बिडिटी आती है, पेन में कर दी नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, चले आगे। देखो टर्बिडिटी कब आती है कि साहब तुरंत टर्बिडिटी आती है, यहाँ के साहब 5 मिनट बाद रिएक्शन होती है, के साहब यहाँ के रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती। देखो तुरंत मतलब इंस्टेंट, क्या करेंगे आप, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 डालेंगे, ठीक है, जैसे ही डालेंगे टर्शरी एल्कोहल क्या हो जाएगा भैया, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा टर्शरी, ठीक है, टर्शरी एल्कोहल तुरंत किस में कन्वर्ट होगा, एल्काइल हैलाइड में, और एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, कंसंट्रेट HCl में अघुलनशील होते हैं, यानी सोल्यूबल नहीं होते, क्या नहीं होते भैया, सोल्यूबल नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते तो कैसा आता है, एक वाइट वाइट दूधियापन आता है, क्या आता है, दूधियापन, जैसे टर्बिडिटी कह रहे हैं ना अपन, दूधियापन, ठीक है, हिंदी वालों के लिए दूधियापन, यहाँ तो दूधियापन, जैसे ही आपने क्या किया ZnCl2HCl डाला तो एल्काइल हैलाइड बने, और तुरंत क्या आ गया भैया, दूधियापन आ गया ना, टर्बिडिटी आ गई, तुरंत आता है किसमें, T4 टर्शरी यानी तृतीयक, और तृतीयक में ही क्या होता है भाई साहब, प्रोग्राम तुरंत होता है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में आप डालोगे कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 डाला आपने, तुरंत नहीं आता, कितनी देर बाद आता है कि सब 5 मिनट बाद आता है, कितने मिनट बाद, 5 मिनट, 5 से 7, 10 मिनट जो भी है,
बेसिकली 5 मिनट मान के चलते हैं, चले 5 मिनट बाद आता है, ठीक है। और प्राइमरी तो भाई सब रिएक्शन ही नहीं करते, ऐसे नकटे होते हैं ना, तो कतई नकटे रिएक्शन ही नहीं करते, यानी कोई दूधियापन नहीं आता, ठीक है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट हुआ कि जैसे मेरे पास देखो 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है, 1, 2, 3, यानी ABC 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी है। मुझे नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सी में सेकेंडरी है, कौन सी में टर्शियरी। मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, मेरे को तो सिर्फ ZnCl2 कंसनट्रेट HCl डालना है, ZnCl2 कंसनट्रेट HCl, ZnCl2 कंसनट्रेट HCl डालना है। डाल दिया मैंने, अब क्या होता है कंसनट्रेट ZnCl2 और HCl डालने के बाद, यानी NH2 ZnCl2 और HCl डालने के बाद क्या होता है, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। जो टर्शरी में एल्काइल हैलाइड यानी तृतीयक एल्कोहल वाले जो एल्काइल हैलाइड बनेंगे वो कंसनट्रेट HCl में क्या होंगे, अघुलनशील, घुलेंगे ही नहीं, वो घुलेंगे ही नहीं। तो आप ये देखेंगे कि उसमें दूधियापन आ जाता है, तुरंत जैसे डाला दूधियापन आ गया, अरे यार ये तो टर्शरी एल्कोहल वाली है, इसको हटा दो। फिर एक में क्या हुआ, रिएक्शन चलती रही थोड़ी देर बाद गर्म वर्म करा, 5 मिनट बाद क्या आई, टर्बिडिटी यानी दूधियापन आया, तो इसका मतलब वो कौन सी है, सेकेंडरी। और एक टेस्ट ट्यूब जैसी थी वैसी की वैसी ही रही, तो इसका मतलब क्या कि उसमें ये रिएक्शन नहीं होती। चले, ये था हमारा ल्यूकास टेस्ट। अब देखिए, आप 1 से 6 कार्बन नंबर वाले जो एल्कोहल है ना, जिनमें 6 तक कार्बन एटम होते हैं, ऐसे एल्कोहल कंसनट्रेट HCl में, ठीक है, ऐसे एल्कोहल के संगत क्लोराइड, ठीक है, ऐसे एल्कोहल के संगत क्लोराइड जो होते हैं, एल्कोहल तो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनके जो हैलाइड है ना, इनके जो हैलाइड बनेंगे ये डालने के बाद, ठीक, इनके जो हैलाइड बनेंगे वो कंसनट्रेट HCl में इनसोल्यूबल होते हैं ना, घुलते नहीं है, घुलते नहीं तो क्या बन जाती है उसकी, टर्बिडिटी बन जाती है, दूधियापन आ जाता है, ठीक है, इसमें भी आ जाता है, इसमें नहीं। तो आप ये मान के चलिए, आप ये समझिए कि जो टर्बिडिटी है ना, टर्शियरी एल्कोहल में सबसे पहले, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल में, उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल में, ठीक है। मेरे हिसाब से आज का लेक्चर यहीं तक रखना चाहिए हमें, चाहूँ तो मैं अभी ऑक्सीडेशन भी पढ़ा दूँ, डिहाइड्रोजनेशन भी पढ़ा दूँ, छोटे छोटे टॉपिक के, लेकिन फिर उसके साथ इंटरकन्वर्जन वगैरह ले लेंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ते रहिए चैनल पर, काम करते रहिए अपना, सही है। और तो क्या कहें यार, आप लोग बस, आप लोग तो पढ़िए, इसी से क्वेश्चन आएंगे, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए ना, इस बाहर कैसे चला जाएगा यार, भाई मैंने पूरी किताब का एक एक एक्सट्रैक्ट निकाल कर, ये के नोट्स थोड़ी हैं, बिल्कुल एज इट इज अच्छे अच्छे मैंने कंटेंट और कॉन्सेप्ट निकाले हैं। और अभी तो मैंने ये सिर्फ जनरल चल रहा है, अभी मैं इसमें जैसे क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे कॉन्सेप्ट लाऊंगा, जैसे नई नई बातें आएंगी तो मैं आपको वो सब भी समझाऊंगा ना, क्योंकि मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री में ही, और इसका भी पढ़ाता हूँ यानी अकेडमिक्स में भी है और इसमें भी है। तो इसका मतलब ये समझिए कि दोनों साइड आपको प्लस प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप प्लस प्रॉफिट लीजिए ना यार, सही है। फिर हम लोग मिलते रहेंगे, और ऑक्सीडेशन करवाऊँ क्या, चलो फिर बाद में करते हैं ऑक्सीडेशन भी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उनचास मिनट का हो गया यार।